हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीके कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बीएससी फाइनल ईयर्स मैथ्स पेपर थर्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने लगातार 1 से 11 तक लगातार क्लासें ली थी, लेक्चर लिए थे, लेकिन कुछ समस्या आने के कारण एक थोड़ा सा गैप लगा। लेकिन अब स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 12 पर, और अब हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूनिट 4 देख रहे हैं। और थोड़ा ही एक दो क्लास लेक्चर में लगभग पूरी जो पेपर थर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये न समझना आप कि सर ने सिर्फ बताओ 12-13 लेक्चर में ही पूरी जो पेपर थर्ड था वो कंप्लीट करवा दिया, क्योंकि हम सिर्फ आपको इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को बता रहे हैं। और मुझे जहाँ तक विश्वास है तो लगभग 80% स्टूडेंट यही चाहते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट है जो पेपर में आना चाहते हैं वो हमसे अच्छे से बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पेपर थर्ड का यूनिट 4। तो आज की यूनिट में हम आपको बेसिक चीज़ें बताने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो जितनी भी परिभाषाएं थी मैंने एक साथ सबको कंबाइन कर दिया गया है, जिससे आप एक ही में देख लें। आज के लेक्चर में पूरी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो पूरी करवाई गई है, ठीक है। तो चलते हैं, प्रश्न है वृक्ष को परिभाषित कीजिए। तो हम इसमें जो जितने टाइप होते हैं वृक्ष के जो यूनिट में हैं हम सभी को एक एक करके देखते हैं। तो वृक्ष क्या है? एक संबद्ध आलेख है। कैसा आलेख है? कि एक भी परिपथ ना हो वो कहलाता है वृक्ष। कोई पूछे वृक्ष क्या है, तो वृक्ष क्या है? एक संबद्ध आलेख है जिसमें एक भी परिपथ ना हो, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो है संपाती ना हो। ये मैंने जो पाथ एंड सर्किट जो पथ और परिपथ था उसमें हमने बताया था कि परिपथ क्या होता है। तो देखिए, आइए वृक्ष निम्न प्रकार के हो सकते हैं। नियत वृक्ष देखते हैं, रूटेड ट्री, एक विशिष्ट शीर्ष सहित जो जड़ कहलाता है वृक्ष को क्या कहते हैं? नियत वृक्ष कहते हैं। थोड़ी आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि मैथ्स और मैथ्स में डेफिनेशन जो रहते हैं उनको डेफिनेशन और फॉर्मूला को ज्यादातर याद ही करना पड़ता है। हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं। एक शीर्ष सहित होगा, मतलब इसमें एक शीर्ष होगा और उसके तहत एक जो जड़ कहलाता है, मतलब एक वृक्ष टाइप का बनेगा, नियत है, स्टेटिक है। ऐसे ये देखिए, यहाँ से शीर्ष से पकड़ के इसको स्टेटिक कर दिया, यहाँ से पकड़ के ये स्टेटिक है। इस टाइप की जो वृक्ष होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नियत वृक्ष कहलाते हैं। मतलब एक डायग्राम के रूप में हम रिप्रेजेंट करने के लिए रूटेड ट्री का यूज करते हैं। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है क्रमित नियत वृक्ष। देखो, क्रमित नियत वृक्ष, नियत वृक्ष तो वो है ही, लेकिन कैसे है? देखिए, इसमें जो था इसमें क्रम नहीं है कोई, ये यहाँ कोई क्रम नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। अगर नियत वृक्ष को एक सीक्वेंस में लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? क्रमित नियत वृक्ष। तो सीक्वेंस या रूटेड ट्री देखते हैं। यदि एक नियत वृक्ष के प्रत्येक शीर्षों को छोड़ने वाली कोरों का लेवलन किया जाए, मतलब एक लेवल पर जो कोरे हैं उनको रखा जाए, तो उससे जो वृक्ष बनेगा वो कैसा बनेगा? क्रमित वृक्ष बनेगा। ये लेबलन क्या कहलाता है? कि जहां से आपने स्टार्ट किया है और जहां आप उसको एंड कर रहे हैं वो लेबल में हो, मतलब एक एक साइड जितने हो उतने ही दूसरी साइड हो। जैसे हमने ये बनाया है, यहां 0 था, इस साइड 1 कोर गई, इस साइड 1 कोर गई, तो 1-1 बराबर हो गई। अब यहां पर 0, 1, 2, 3 जो नंबर दे दिए हमने, अब बन के यहाँ से 1.0, 1.1, 1.2 एक सिक्वेंस चल रहा। 2 से देखिए तो 2.0, 2.1, 2.2, यहाँ 3.0, 3.1, 3.2, तो ये क्या है? सिक्वेंस है। अब 2.1 के भी सब जो पैर वो बन जाएंगे 2.1.0, 2.1.1, तो ये क्या कहलाता है? क्रमित नियत वृक्ष। एक क्रम की ओर चल रहा है, एक नियत वृक्ष कि प्रत्येक शीर्षों को छोड़ने वाले कोरों का लेवलन किया जाए तो वो कैसा बनता है वृक्ष? एक क्रमित नियत वृक्ष बनता है। तो लेवलन को याद रखिए, मतलब एक लेवल के रूप में हम क्या करना है, उसको जमा रहे। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी परिभाषा देखते हैं। तीसरी परिभाषा है निर्णय या छंटन वृक्ष, शॉर्ट लिस्टेड ट्री कहते हैं। निर्णय या हम इसको क्या है, शॉर्ट लिस्टेड, मतलब शॉर्ट किया जाता है। ये हम जो कंप्यूटर है उसमें यूज करते हैं कि जो हमारा जो डाटा है उसको एक शॉर्ट रूप में जमाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो निर्णय वृक्ष या छंटन वृक्ष ऐसे वृक्ष होते हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं। कहाँ पर? विशेषकर
जो अभिकलित्र याद भी नहीं रहेगा, ये कहना आप तो, जहाँ जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है ना, वो कहलाता है शॉर्ट लिस्टेड ट्री। मतलब हम अपने डेटा को एक ट्री के रूप में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जैसे वन वन के अंदर 1.0 से लेकर 1.100 तक जो जाते हैं, फिर उसके बाद 1.1.1 से लेकर 1.1.9, फिर 1.1. ऐसे जो बढ़ते जाते हैं वो क्या कहलाता है, शॉर्ट लिस्टेड ट्री। मतलब एक शॉर्ट डायग्राम बना दिया जिससे हमको वो डाटा आराम से मिल जाए। इसके आगे देखते हैं, इस लेक्चर में सिर्फ परिभाषाएं होंगी जिनको आपको नोट डाउन कर लेना है और इनको याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जितने यूनिट में जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी। द्वि आधारी संक्रिया या वृक्ष, बाइनरी ट्री। बाइनरी नंबर तो जानते होंगे, 0 और 1 कहलाते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। द्वि आधारी संक्रिया, ऐसा वृक्ष द्वि आधारी वृक्ष कहलाता है जिसमें दो घात, जो दो घात का एक और केवल एक शीर्ष हो। मतलब जिसमें भी दो घात हो वो कैसा हो, उसका शीर्ष एक होना चाहिए और अन्य के शीर्ष एक हो सकते हैं या तीन हो सकते हैं, ठीक है, तीन घात के हो। मतलब सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना है कि जो दो घात का होगा उसका एक शीर्ष होगा सिर्फ, ठीक है, और जो एक या तीन घात का होगा उसके एक से ज्यादा शीर्ष हो सकते हैं। ये समझो, जो दो घात का है उसका एक शीर्ष, जो एक या तीन घात का है उसके एक से ज्यादा शीर्ष। जैसे हमने एक डायग्राम बनाया है V1 से लेकर V5 तक, V1, V2, V3, V4, V5, तो DV4 निकाला हम, तो DV4 क्या है, एक और एक दो, तो DV4 है दो, दो घात का केवल एक शीर्ष रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखें, एक या तीन घात के कितने हो सकते, जैसे एक है तो इसका एक है, V3 का एक है, V2 का कितना है, एक दो तीन है, V5 का क्या है, एक है, तो एक या तीन घात के होंगे। तो समझ में आया, द्वि आधारी संख्या क्या है, दो घात का जो एक और केवल एक शीर्ष होगा और अन्य शीर्ष कैसे होंगे, एक या तीन घात के होंगे, तो यह है द्वि आधारी संख्या। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जनक वृक्ष। जनक वृक्ष, थोड़े इनके जो इंग्लिश वर्ड हैं इनको भी याद करते जाइएगा, क्योंकि हिंदी में थोड़े थोड़े ये इंग्लिश जो मैथ्स के जो लेटर होते हैं वो अटपटे टाइप के, जैसे जनक वृक्ष समझ में नहीं आएगा, स्पैनिंग ट्री आ जाएगा। माना जी भी एक संबद्ध आलेख है, हर जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक आलेख में संबद्ध होगा, मतलब एक उसकी बाउंडेशन होगी। तो संबद्ध आलेख है जो जी में एक जनक वृक्ष का एक उप आलेख टी इक्वल टू टी वी डैश होता है, जो कि एक वृक्ष है। मतलब एक वृक्ष के अंदर जो एक वृक्ष होता है वो क्या कहलाता है, उसका जनक वृक्ष। जैसे जड़ है, जड़ जनक है, अब जड़ की यहाँ से शाखा निकली, फिर शाखा में से और शाखा निकली, फिर उनसे वो क्रिया बढ़ती जाती है। जैसे आप दादाजी, दादाजी से पिताजी, पिताजी से उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो एक क्या बनेगा, पूरा सिस्टम बनेगा। उसमें जो दादाजी होंगे वो क्या है, जनक है। तो ऐसे ही वृक्ष में जो जड़ होती है वो क्या है, उसकी जनक है। तो ऐसे मैथ में होता है, एक से स्टार्ट होगा, एक से 1 है तो 1 जनक हो गया, फिर 1.1, 1.2 एंड 1.3, 1.3 तक पहुंच गए। अब 1.1 से 1.1.1, 1.12, 1.13, ये क्या है, उसके सब में डिवाइड होते जा रहे हैं। तो जो 1 होगा था स्टार्ट वो क्या है, जनक वृक्ष, ठीक है। तो अब लास्ट परिभाषा देखते हैं, लास्ट जो इक्वेशन है, सॉरी डेफिनेशन है, लास्ट डेफिनेशन है संबद्ध आलेख की। संबद्ध आलेख क्या है, एक बाउंडेशन, एक आलेख जी इक्वल टू जी भी ई को संबद्ध आलेख कहेंगे यदि दो शीर्षों के प्रत्येक युग्म के बीच, दो शीर्ष होंगे उसके जो युग्म होंगे, प्रत्येक युग्म के बीच एक और केवल एक पथ, अर्थात सिर्फ एक पथ हो दो शीर्षों के बीच में, दो शीर्षों के प्रत्येक युग्म के बीच में कैसा एक पथ हो, तो वो क्या है, संबद्ध आलेख है। तो ये 6 परिभाषाएं थी जो इम्पोर्टेंट है इस पूरे लेक्चर में, यूनिट 4 और यूनिट 5 में, तो हमने आपको एक जगह पर कंबाइन कर दी। वीडियो भले शॉर्ट है लेकिन इसमें आपको लगभग पूरी इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन थी वो कंप्लीट करा दी गई। तो आशा है आप एक क्रम से देखेंगे तो आपको जो लिंक है वो समझ में आएगा, इसलिए लेक्चर 1 से लेकर जो नंबरिंग इसलिए कर दी गई है कि आप उसको एक क्रम से देखिए, एक जगह उल्टा सीधा देखेंगे क्रम से तो नहीं देख पाएंगे, तो प्रॉब्लम जाएगी आपको।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यूनिट 5th के भी क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट या उसके बाद की वीडियो में। और इस प्रकार लगभग ये 12 लेक्चर हो गया, तो 13 और 14 लेक्चर में पेपर 3rd डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि अब हमारे लिए किस सब्जेक्ट पर लेक्चर चाहिए, मैथ्स जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है उस पर, कि फिजिक्स के जो पेपर हैं और केमिस्ट्री के हैं उन पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।